ऐमन खान ने फादर्स डे पर अपने बाबा को ऐसे याद किया कि सबको रुला दिया। आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में ऐमन खान की अपने बाबा को फादर्स डे पर विश करने की खूबसूरत वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शोबिस से आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले और बर वक्त आप तक पहुँच सके। अपने बाबा के इस दुनिया से चले जाने के बाद ऐमन खान का ये पहला फादर्स डे है। इस मौके पर ऐमन खान बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और उन्होंने अपने बाबा को इस अंदाज से याद किया कि हर आँख अश्कबार हो गई। ऐमन खान जो कि पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत अदाकारा हैं और उनकी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है। आप तो जानते ही हैं कि ऐमन खान के फादर चंद माह पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अपने बाबा के जाने के बाद ऐमन खान काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और अक्सर अपने बाबा को याद करती हैं। कभी वो अपने बाबा की पिक्चर शेयर करती हैं तो कभी ऐसे अल्फाज में उन्हें याद करती हैं कि हर आंख अश्कबार हो जाती है। ऐमन खान के फादर की वफ़ात के बाद उनका ये पहला फादर्स डे है जो कि वो अपने बाबा के बगैर मना रही हैं। इस फादर्स डे पर ऐमन खान ने अपने बाबा के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की और अपने बाबा को याद करके बहुत ही इमोशनल हो गईं। ऐमन खान ने अपने बाबा के साथ अपनी रुखसती की ऐसी वीडियो और तस्वीरें शेयर कर दी जिनमें वो रो रही हैं और उनके बाबा भी रो रहे हैं। ये तस्वीर और वीडियो शेयर करने के बाद ऐमन खान ने अपने बाबा को फादर्स डे विश किया और उन्हें मिस किया, जिस पर ऐमन खान के मुद्दा बहुत अफसरदा हो गए और ऐमन खान के वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम के लिए दुआगो होने लगे और साथ ही साथ ऐमन खान के लिए दुआ करने लगे कि अल्लाह ताला ऐमन खान को सब्र जमील अता करें। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐमन खान के वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें और ऐमन खान और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करें। ऐमन खान का अपने बाबा को फादर्स डे पर इस तरह विश करना आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।